विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगत जननी मातेश्वरी मां कलेही के चरणों में स्थित पावन पवित्र कलेहन घाट में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पवित्र पत्नी गंगा मैया की महाआरती के साथ दीपदान का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व नगर परिषद अध्यक्ष बसंत दहायत एवं विधानसभा संयोजक पुष्पेंद्र पटेल व उनकी टीम के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका युवा मोर्चा अध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव एवं किसान मोर्चा अध्यक्ष चंद्रभूषण गौतम तथा महिला मोर्चा अध्यक्ष निधि पटेलिया की रही। इस अवसर पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु भक्त कलेहन घाट पत्नी मैया की आरती में शामिल हुए। वहीं जगत जननी मातेश्वरी मां कलेही के चरणों को परखते हुए अविरल रूप बह रही पत्नी मैया कलेहन घाट को जलते दिए एवं आकर्षक लाइटों फूलों रंगोलियों से दुल्हन की तरह सुनियोजित तरीके से मां कलेही की धरा के साथ पत्नी मैया घाट को सजाया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। आरती की शुरुआत आतिशबाजी एवं वैदिक रीति रिवाज से प्रकांड पंडितों द्वारा मंत्रों उच्चारण से पवित्र पत्नी मैया पूजन कर शुभारंभ हुआ। इसी दरमियान पूरा वातावरण घंटियों एवं शंख की पवित्र ध्वनि से पत्नी मैया की आरती व जयकारों से गुंजामयन होता हुआ नजर आया। इस दौरान जगत जननी मातेश्वरी मां कलेही के दरबार के साथ पवित्र पत्नी मैया घाट की मनोरमा दृश्य देखते ही बन रहा था, जिसने देखा अपनी आंखों में सजो लिया। यह अद्भुत अलौकिक एवं अविस्मरणीय छटा बिखरता अवसर पत्नी नदी घाट में दूसरी बार देखने को मिला, जिसे पावनी पवित्र मां पत्नी गंगा मैया की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु भक्त दूर दूर से शामिल हुए, जहां पर पत्नी मैया की आरती कर श्रद्धालु भक्तों ने जगत जननी मातेश्वरी मां कलेही के दरबार में मत्था टेका एवं मातेश्वरी से सुख समृद्धि की कामना की। इसी दौरान नगर परिषद अध्यक्ष बसंत ने बताया कि जीवन दाहिनी जीवन तारिणी पवित्र पत्नी नदी गंगा माँ की कथा हम आदिकाल से सुनते आ रहे हैं, जिनकी अविरल धारा लाखों लोगों के जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि पवित्र पत्नी नदी गंगा मैया हमारे लिए सिर्फ एक नदी ही नहीं, बल्कि नगर सहित क्षेत्रों के लाखों लोगों को पालन पोषण करने वाली माँ है। इस अवसर पर मां कलेही धर्मार्थ समिति समस्त श्रद्धालु भक्तगण, प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम श्रीमती भारती मिश्रा, वन परिक्षेत्र अधिकारी नितेश पटेल, जयप्रकाश चतुर्वेदी, भाजपा वरिष्ठ नेता श्रीमती सारिका शारदा प्रसाद खटीक, नगर परिषद अध्यक्ष अमानगंज पवई, नगर परिषद अध्यक्ष वसंत दहायत, नगर परिषद उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, पुष्पेंद्र पटेल विधानसभा संयोजक मंडल अध्यक्ष गुलाब मधु सोनी, सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव एवं नगर समाज सेवी युवाओं के साथ मंकू श्रीवास्तव, चंद्रभूषण गौतम एवं नगर के गणमान्य नागरिकों सहित पत्रकार गणों की मौजूदगी रही। नवोदय टीवी के लिए पवई से सुरेंद्र पांडे की रिपोर्ट। हमने विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी हमने पद्मा नदी की महाआरती का आयोजन किया था, जिसमें हमारे शहर के सभी लोगों का सहयोग रहा। इस पद्मा नदी की महाआरती का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी पद्मा नदी का जो अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, उसको हमने इस आरती से जोड़ने का प्रयास किया है। और समस्त हमारे राज्यवासियों से भी हमने अनुरोध किया है कि इस हमारे अभियान में इस हमें पद्मा नदी के अस्तित्व को समाप्त नहीं करना है, इसको और आगे तक ले जाना है। एक अभियान चलाएंगे और पद्मा नदी को हम एक स्वच्छता के रूप में जोड़ेंगे। के अवसर पर, हिंदू नववर्ष के अवसर पर आज मां कलेही की नगरी में, मां कलेही के घाट में मां पत्नी की आरती हुई। विगत वर्ष की भांति आरती हुई है, पिछले वर्ष भी ये आरती हुई थी, इस वर्ष भी ये आरती हुई है और आगे भी आरती होती रहेगी। इस आरती में सभी लोगों ने जन बढ़ करके हिस्सा लिया है, सभी नगर के लोगों का सहयोग रहा है और मां पत्नी के प्रति श्रद्धा है और हमें इस जल को भी बचाना है और मां को स्वच्छ भी रखना है। ऐसी हम इस उद्देश्य से मां पत्नी नदी की हम लोगों ने आरती की।
के पावन अवसर पर कलेही माता के इस पावन स्थान पर कलेही पत्नी मैया की आरती की गई। इसमें पूरे जन का और मुख्य रूप से हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष उनका पूरा सहयोग मिला और ये आरती हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं, इस वर्ष भी हमने की है और आगे भी इस आरती को हम लोग करते जाएंगे इसी भव्यता के साथ, और प्रयास रहेगा और अच्छी भव्यता के साथ इस आरती को हम